बिल्कुल मिल पाएगा, क्योंकि जैसा अभी आ रहा है कि उनकी संपत्ति जैसे 100 करोड़ 200 करोड़ की जो संपत्तियां जो जब्त होगी, जिसको सरकार बेच करके उनको जो है उन लोगों को पैसा, उन गरीबों को पैसा दिलाएगी, पर पैसा उसी को मिलेगा जो FIR लॉन्च करेगा, जो आगे आएगा, जो बताएगा, प्रूफ देगा कि हमने इसको पैसा दिया है। और जो जो कंप्लेंट नहीं करेंगे, जो आगे नहीं आएंगे, उनको पैसा नहीं मिलेगा, वो जो होगा वो सरकारी संपत्ति हो जाएगी। देखो, SIT ने गुजरात जाकर के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो कि मंडी से हैं, और उनके करोड़ों की संपत्ति आइडेंटिफाई कर ली है, उनके लोगों को और अरेस्ट किया जा रहा है। और मैं पूरा संतुष्ट हूँ कि जिस दिन हमने ये मुद्दा रखा विधानसभा में, अगले दिन SIT का गठन हुआ और उसी दिन जो है इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई, तभी ये परिणाम निकला कि एक बहुत बड़ा स्कैम और बढ़ रहा था, ये स्कैम, इस स्कैम को हमने रोका, इस स्कैम को हमने रोक करके जो और लोगों को जो उन्होंने ठगी करनी थी वो रुक गई। और आज जो स्कैमस्टर्स हैं सब भाग रहे हैं, कोई दुबई भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है हमारे हिमाचल पुलिस पर, SIT के ऊपर, कि सभी आरोपियों को ये जो है सलाखों के पीछे रखेंगे और जो लोगों ने निवेश किया उन लोगों का पैसा दिलाएंगे। ये मुद्दा हमने पहली बार उठाया विधानसभा में और इसका परिणाम आज आपके सामने, आज मंडी के हजारों लोग जो है सामने आए हैं, FIR लॉज हो रही है, हर जिले में FIR लॉज हो रही है। और अगर आप आज हम देखें तो 1,000 करोड़ से अधिक का ये स्कैम हो चुका है हिमाचल में, जो हमने पहले सोचा था कि 200-300 करोड़ का होगा, लेकिन जैसे जैसे ये इंक्वायरी SIT कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, FIR लॉज हो रही है और लोग खुल करके अब सामने आ रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहता हूँ स्कूलों में, कॉलेजेस में, पंचायत में, कि कोई भी इंसान अगर ये बोलता है कि मैं आपको साल में 2 गुना पैसा करके दूंगा तो उस पर विश्वास ना करें, वो ठग रहा है आपको, वो आपको फसला रहा है, ऐसा कार्य मत करो। अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई किसी के बोलने पे जो ना दें, पहले उसको वेरीफाई करें कि वो सच है कि झूठ है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।